गल करते हाँ शो कौन बनेगा करोड़पति दी जिसके होस्ट है अमिताभ बच्चन। इस शो नू बेहद पसंद किया जाता है। उथे ही हाल ही दे विच एक खबर सामने आई है कि इस शो के नाँ ते ठगी मारी जा रही है। की है पूरा मामला, आओ जानते हाँ। हमेशा की तरह अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति 16 की मेजबानी कर रहे हैं। इस सीजन के कई शानदार कंटेस्टेंट सन जिन्हां ने ना सिर्फ अमिताभ बच्चन नू सगो दर्शकों भी प्रभावित किया। शो की प्रसिद्धि के विचकार एक व्यक्ति ने दावा किया कि एक औरत ने उन्होंने करोड़पति दे विच हिस्सा लैण अते 5.6 करोड़ रुपए की पुष्टि करन दा दावा करन तो बाद उस नू 3 लाख रुपए की ठगी मारी है। महिला ने अपने आप नू CBI अधिकारी दस्या सी। इस दे नाल ही फर्जी महिला अधिकारी ने पीड़िता नू PM नरेंद्र मोदी दे नाल तस्वीर भी दिखाई सी। एक शक्तिकर्ता दे दावा कीता है कि उस नू हिट TV शो कौन बनेगा करोड़पति दे विच 5.6 करोड़ रुपए दा इनाम जीतन दा झूठा वादा करके लगभग 3 लाख रुपए दी ठगी मारी गई है, जिस तो बाद CBI ने धोखाधड़ी जालसाजी अते IT एक्ट दियां धारावां तहत मामला दर्ज किया है। CBI ने अणपछाते मुलाजमां खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। इस FIR दे विच कहा गया है कि एक महिला ने CBI दे सीनियर अधिकारी होने का बहाना बना के पीड़ित नूं धोखा देण लई PM दी तस्वीर दी वरतों कीती। PMO ने CBI कोल शिकायत दर्ज करवाई, जिस तों बाद CBI ने केस दर्ज कीता। CBI FIR दे विच कहा है कि शिकायतकर्ता नूं सोशल मीडिया ते 2 फर्जी संस्थावां तों जानकारी मिली, जिन्हां ने अपनी पछाण KBC मुंबई अते KBC कोलकाता वजों दित्ती। CBI FIR दे विच कहा गया है कि KBC मुंबई ने कहा कि शिकायतकर्ता ने 25 लाख रुपए जितते सन, जिस नूं वधा के 5.6 करोड़ रुपए कर दिता गया सी। इसे तरह KBC कलकत्ता ने कहा कि उसने 75 लाख रुपए जितते सन, जिस नूं वधा के 2.75 करोड़ रुपए कर दिता गया है। तुहानूं दस्सदे चलिए कि यह मामला हुण CBI दे हत्थ दे दिता गया है।